चैनल बहुत लोगों की इंक्वायरीज थी और बहुत सारे लोग जानना चाहते थे एग्जैक्टली एक टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं जिस पे आज तो हमारे चैनल पे आज तक इस बारे में कभी बात नहीं हुई है और सबने पूछने की कोशिश की बट आज हम आप लोगों को बताने वाले एग्जैक्टली वो टॉपिक क्या है। मैं अभी मेरे ग्रूमिंग सेशंस में देखती हूँ जब भी मेरे पास कैट्स आती है तो यूजुअली जो विस्कर्स होते हैं कैट्स के वो कटे होते हैं। कभी कभी वो गलती कुछ पेट पेरेंट्स की होती है, कभी कभी वो गलती कोई ग्रूमर या कोई वेट की होती है। एग्जैक्टली मुझे इस चीज़ के बारे में आज आपसे बात करनी है कि वो क्या रोल प्ले करते हैं कैट की लाइफ में और हमें उन्हें कितना सेफ रखना चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं उनके विस्कर्स उनकी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं इस बारे में। तो आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली कैट के विस्कर्स क्या रोल प्ले करते हैं। कैट जब हम ह्यूमंस होते हैं अगर हमें कोई ब्लाइंड फोल्ड कर दे और हमें सीधा एक रास्ते पे छोड़ दे या फिर हमें कोई ऐसी सीढ़ियों पे छोड़ दे जो हमें खुद ब खुद जांचनी है कि उसकी गहराई कितनी है या फिर हमें चलना है, हम एग्जैक्टली नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो चीज़ एक धोखा ही है हमारे लिए अगर हमें कोई ब्लाइंड फोल्ड कर देता है। इसी तरीके से कैट की लाइफ में उसके विस्कर्स उसका रोल प्ले करते हैं। वो जो आसपास की सराउंडिंग है उस चीज़ को सेंस करते हैं। एक तरीके का वो एंटेना होता है जो सेंस करता है कि उसके एनवायरनमेंट में क्या हलचल कर उसके एनवायरनमेंट में क्या हलचल हो रही है। अगर हम उसी को कट कर देंगे तो वो सेंस नहीं कर पाएंगे और दूसरी चीज़ खुद को हार्म करेंगे, इसीलिए हमें उस चीज़ का ख्याल रखना है। सेकेंडली मैं आपको बताऊंगी जो विस्कर्स होते हैं आपने हमेशा देखे होंगे जो सामने के तरफ से रहते हैं वो मोटे होते हैं और नीचे के तरफ से जो रहते हैं वो पतले रहते हैं, वो बढ़ते हैं। जो मोटे के तरफ से रहते हैं वो एग्जैक्टली उनका ब्लड वेसल है। अपना ही नेल देख लो, उसका ब्लड वेसल यहाँ रहता है और फिर नेल बढ़ता है। अगर हम ब्लड वेसल की तरफ से अपना नेल काटेंगे तो एग्जैक्टली हमें ऐसा पेन होगा, तो कैट भी सेम पेन फील करती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें उनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना है और उनको उनका एंटेना जो है या उनके सेंसेस जो है उसे रखना है और उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि वो उसको इमोशनल पेन देंगे, हमें उनको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि है फॉलिकल इन्फेक्शन। ये क्यों होता है कैट्स में और ये होता है तब कैट के विस्कर्स गिर जाते हैं, सो एग्जैक्टली क्या है ये सिचुएशन। तो आप कभी भी देखेंगे जब कोई कैट को इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो कैट के हेयर्स खुद ब खुद गिर जाते हैं। सो कभी कभी कैट्स को जो इन्फेक्शन होता है वो सिचुएशन में कैट के हेयर लॉस हो जाता है, तो विस्कर्स भी तब अगर गिर जाते हैं या फिर नहीं गिरते तब आपको कोई भी प्रोफेशनल आपका वेट वो चीज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़कर और एक सेटिंग देगा जहाँ पे आप उसको हटा सकते हैं जो कि उसके लिए अच्छा है। फॉलिकल इन्फेक्शन बहुत ख़राब होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कैट के विस्कर्स या उसके बालों को ख़राब कर देता है। सो इस सिचुएशन में कैट को बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, एक ओरली भी एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत होती है, तब जाके वो रिकवर होता है और फिर हम देख सकते हैं कि कैट के हेयर जो है कैट के विस्कर्स जो है वो वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते, बट उसके लिए पूरी तरीके से आपको एक प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा। इन केस अगर ऐसा इन्फेक्शन आप देखते हो या फिर आप देख चुके हो तो हम तीसरे टॉपिक पे आते हैं कि ये चीज़ वापस आ सकती है या नहीं आ सकती है। ये बिल्कुल वापस आ सकती है बट हमें ये चीज़ को करना ही नहीं है, हमें विस्कर्स को छूना ही नहीं है कैट के, क्योंकि मैंने आपको बताया वो इमोशनल पेन देते हैं और सेकेंडली वो उनका एंटेना होता है। इन केस अगर कोई ये चीज़ ख़राब कर देता है, काट देता है कोई वेट, तो हम क्या करेंगे? तो कोई कोई ब्रीड होती है जिनके विस्कर्स आने में काफ़ी वक्त लग जाता है, किसी किसी के 2 से 4 महीने के दौरान आ जाते हैं। अब जो 2 से 4 महीने के दौरान आपकी बिल्ली इतना पेन झेलेगी, इस चक्कर में मेरा यही सजेशन है आपको कि आप ये चीज़ ना करिए एंड जो वापस आने का है जो रिकवरी है वो 3 से 4 महीने में आपकी बिल्ली की हो जाएगी। और ये डिपेंड करता है सारी ब्रीड्स के ऊपर कि वो मतलब उनके हेयर ग्रोथ के ऊपर कि यार ये कब वापस आएगा और कैसे आएगा, बट हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम कभी भी किसी को भी इनकरेज ना करें कि वो हमारे कैट के विस्कर्स को कट करे। आप कोई भी प्रोफेशनल के पास जा रहे हो पहले तो आप ये चीज़ चेक कीजिए कि वो कैट के बारे में सारी उनके पास नॉलेज है या नहीं है हेयर कट के ऊपर या कोई भी चीज़ के ऊपर, कि हमारे कैट के
नेल्स जो है, विस्कस जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इन सब चीज़ों का हार्म नहीं होना चाहिए कोई भी प्रोफेशनल के वजह से. और अगर जो अनप्रोफेशनल है आप उनके पास चले जाते हैं तो आप पहले मॉनिटर कीजिए कि आपकी कैट सही हाथों में है या नहीं है, उसके बाद ही आप ग्रूम करवाइए या फिर कोई भी सेटिंग आपको जो उनके ऊपर लेनी है वो कराइए. आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय बाय, टेक केयर.